This video is brought to you by Howzat. Download the app now. हिंदी फिल्मों के लेखक और निर्देशक सागर सरहदी की 21 मार्च 2021 की रात मुंबई में डेथ हो गई। वो 88 साल के थे। आज के पाकिस्तान के वफा में पैदा हुए सागर को बेहद कम उम्र में हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन का दर्द झेलना पड़ा, जिसकी टीस उन्हें उनके जीवन के अंतिम वर्षों तक सालती रही। अच्छा, तो आपने किसी अपने सपने मेरे तुम्हारे या टीम 11 पे टीम बनाई थी? टीम तो जीत गई तुम्हारी। आप दो दिन से पैसों का वेट कर रहे हो? Howzat पे आओ। Howzat पे विड्रॉवल बस कुछ ही मिनट्स में। विजिट howzat.com, डाउनलोड द Howzat ऐप नाउ। आइए सागर साहब के जिंदगी नामे पर एक नजर डालते हैं। 11 मई 1933 को ठेकेदार थान सिंह तलवार और प्रेमदाई के यहाँ जन्मे गंगा सागर तलवार जब 8वीं कक्षा में थे, तब उन्हें उस वक्त हो रही विभाजन की हिंसा से बचने के लिए अपना घर बार छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली में कुछ वक्त तक सागर साहब और उनके परिवार को रिफ्यूजी कैंप्स की तकलीफों से दो चार होना पड़ा। चूंकि पिता बप्पा के बड़े ठेकेदार थे और बड़े भाई भी कारोबार कर रहे थे, तो उन दोनों ने अपनी बचत से दिल्ली में भी दो कमरों का मकान ले लिया। बाकियों की तरह ज्यादा दिन उन्हें छावनी में नहीं गुजारने पड़े। दिल्ली में सागर ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और आगे की पढ़ाई करने मुंबई आ गए, अपने बड़े भैया के पास, जो कुछ वर्षों से मुंबई में नौकरी करने लगे थे। यहाँ आकर बीए किया और साथ ही छोटी मोटी नौकरियां भी जेब खर्ची के लिए करने लगे। इसके बाद एमए में भी दाखिला ले लिया, लेकिन नौकरी की भागदौड़ के चक्कर में पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाए और फेल हो गए। इसके बाद सागर ने पढ़ाई छोड़ दी और एक ब्रिटिश कंपनी में बतौर ट्रांसलेटर नियुक्त हो गए। कुछ समय वहां काम किया और फिर इस्तीफा थमाकर नाटकों और फिल्मों में डायलॉग्स लिखने का निर्णय लिया। गंगा सागर जी को बचपन से फिल्मों का बेहद शौक था। राज कपूर की फिल्मों को बहुत पसंद करते थे। जब लेखक बनने का निश्चय किया तो मसला आया सिग्नेचर नेम का। उस वक्त के लेखक अपने नाम के साथ एक हस्ताक्षर जोड़ते थे, वैसे ही गंगा सागर जी ने भी किया। चूंकि वो सरहद पार से यहाँ आकर बसे थे, तो उन्होंने अपना नाम सागर सरहदी रख लिया। ये नाम रखने के पीछे की एक प्रेरणा उस वक्त के मशहूर कलाकार जेएल सरहदी भी रहे, जिनके सागर मुरीद थे। यश चोपड़ा ने दिया ब्रेक। हुआ कुछ यूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन पर केंद्रित मिर्जा साहिबा नाम से सागर सरहदी के लिखे नाटक का मंचन हो रहा था। सागर के भतीजे रमेश तलवार ने नाटक देखने यश चोपड़ा को बुलाया हुआ था। रमेश तलवार उस वक्त तक दीवार, इत्तेफाक जैसी फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके थे। नाटक यश चोपड़ा को बहुत पसंद आया और उन्होंने सागर को एक रोमांटिक फिल्म लिखने का काम दे दिया। सागर ने दिए वक्त में फिल्म लिख दी। फिल्म यश चोपड़ा को तो बहुत पसंद आई, लेकिन फिल्म से जुड़े बाकी लोगों को सागर के लिखे सीन बहुत किताबी लगे, मगर यश चोपड़ा ने उन सबकी बात को नजरअंदाज करते हुए बिना किसी खास फेरबदल के कहानी को पास कर दिया और फिल्म बनी कभी कभी। यहाँ से सागर सरहदी के फिल्मी सफर का आगाज हुआ। इसके बाद सागर साहब ने यश चोपड़ा के साथ नूरी, फासले, सिलसिला जैसी कई यादगार रोमांटिक फिल्में दी। सागर सरहदी हिट रोमांटिक फिल्में तो लगातार दे रहे थे, लेकिन बड़े ही बेमन से। उन्हें प्रेम की सपनीली दुनिया से ज्यादा असल जिंदगी की कड़वी हकीकत बताने वाली कहानी कहने में ज्यादा दिलचस्पी थी, जो समाज को सोचने पर विवश करे। हालांकि विभाजन के कठिन समय के अनुभव का कुछ अंश उन्होंने नूरी में दिखलाया था, लेकिन इसकी पूरे तौर से शुरुआत की 1982 में रिलीज हुई बाजार बनाकर। हालांकि यश चोपड़ा ने उन्हें कहा यह फिल्म वो बना सकते हैं, लेकिन सागर ने इसे खुद ही बनाने का फैसला किया, जिसमें बाद में यश चोपड़ा ने मदद भी की। फिल्म बनाने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, तो शशि कपूर से फिल्म इक्विपमेंट मांगने के लिए गए। शशि ने बिना कोई किराया लिए ये कहकर सारा जरूरत का सामान दे दिया कि फिल्म चल जाए तो पैसे दे देना, ना चले तो मत देना। फिल्म चली और खूब चली, गोल्डन जुबली हुई। दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने ही फिल्म को पसंद किया। फिल्म की सफलता के बाद सागर जी ने भी शशि कपूर का शुक्रिया अदा किया और उनके सामान का पूरा किराया दिया। बाजार के बाद सागर सरहदी ने कई फिल्मों के डायलॉग लिखे, जिसमें फासले, शाहरुख खान की पहली फिल्म दीवाना और ऋतिक की पहली फिल्म कहो ना प्यार है शामिल है। उन्होंने नवाजुद्दीन और अमृता सुभाष के साथ चौसर नाम की एक और फिल्म बनाई थी, जिसे अंत तक कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला और फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। इस कहानी में नवाज एक ऐसे पति का किरदार निभा रहे थे जो जुए में अपनी पत्नी को दाव पर लगा देता है। अपने 80वें दशक में भी वो काम को लेकर बेहद उत्साहित थे। वो बाजार 2 बनाने की इच्छा रखते थे। वो अजीजन बाई के जीवन पर भी कहानी लिख रहे थे, जो अंग्रेज काल में राजघरानों की नर्तकी थी, मगर वक्त आने पर देश के लिए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में उतर गई थी। सागर सरहदी को अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अधूरेपन का गहरा एहसास खलता रहा, चाहे वो उनका अधूरा काम हो जो किसी ने खरीदा नहीं, चाहे वो उनकी अधूरी प्रेम कहानियां हो
जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कभी पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। कुछ शिकायत उन्हें आज की नई पीढ़ी से भी रही जिसने किताबों से मुंह मोड़कर मोबाइल को अपना लिया। जब उनसे एक इंटरव्यू में, जो उनके जीवन का आखिरी इंटरव्यू साबित हुआ, एक पत्रकार ने पूछा कि आप इस उम्र में भी इतने खुश कैसे रहते हैं, इस सवाल का जो उन्होंने जवाब दिया वो बेहद टीस भरा था। उन्होंने कहा, कैसे कह सकती हैं आप कि मैं खुश हूँ, हंस रहा हूँ इसलिए। ये बात गहरी है, एक बार में शायद ना समझ आए। अब सागर सरहदी नहीं है, उनकी बाजार फिल्म के एक गाने की ये पंक्तियाँ हैं। देख लो आज हमको जी भर के, कोई आता नहीं है फिर मर के। आपके लिए ये तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी शुभम। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी लल्लन टॉक पर सेहत सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।